हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर्स कम्युनिटी। माय नेम इज विप्लव एंड हमारा आज का टॉपिक है साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया यूनिट 3। एंड दिस लेक्चर इज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। सो एज वी ऑल नो दैट इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम टू कम कनेक्ट विद द वर्ल्ड एट अ क्लिक ऑफ एन बटन ऑन योर हैंड हेल्ड डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर। इट्स ऑल्सो अ ग्रेट मीडियम टू कम्युनिकेट विद पीपल। कहने का मतलब है, इंटरनेट के आने के बाद हमारा लोगों के साथ कम्युनिकेशन का तरीका जो है वो बदल गया है। हम लोगों से ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू जब चाहे विद इन सेकेंड बात कर सकते हैं, जल्दी बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीप एक सोर्स है, ठीक है। पहले हम फिजिकली लोगों से मिला करते थे, उसमें टाइम बहुत लगता था, ठीक है, थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है, ठीक है, ट्रैवलिंग का। बट नेट के आने के बाद ये सब ईजी हो गया है। द इंटरनेट हैज़ रिमूव द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। वी कैन टॉक कम्युनिकेट पीपल हु आर फार एंड कैन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। इंटरनेट के आने के बाद एक जो डिसएडवांटेज कह सकते हो आप, वो हुआ है कि फिजिकल डिस्टेंस कम हो गया हमारा। हम लोगों से अब फिजिकली मिलते नहीं होता, बस वीडियो ऑडियो कॉल के थ्रू ही हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्रोवाइड्स अस अ इजी वे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल विद जस्ट वन सर्च। इट मेक्स अवर लाइफ इजी। सो इंटरनेट के आने के बाद हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो गई है, कम्फर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। बिकॉज पहले हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, किताबों को ढूंढना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था काफ़ी किताबों को इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। बट अब हमें बस गूगल करना होता है और विद इन सेकेंड्स एवरी थिंग इज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सो ये बहुत ईजी हो गया नेट के आने के बाद। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। एज थिंग्स हैपनिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग नोन बाय अनदर कॉर्नर विद इन अ सेकंड्स। सो किसी एक देश में कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो अगले ही पल उसकी खबर दूसरे देश में पहुंच जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। ये पॉसिबल हुआ है इंटरनेट के थ्रू। सो न्यू मीडिया हमारे पास वो सारे के सारे डिवाइस आते हैं जो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ठीक है। ये हमारे एडवांस्ड डिवाइसेज हैं जो न्यू मीडिया के अंदर आते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वी यूज़ प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, बट विद अदर्स देर इज़ अ न्यू मीडियम वी कैन से एंड वी यूज़ इट फॉर कम्युनिकेशन। द मीडिया विच यूज़ इंटरनेट फैसिलिटी ट्रांसमिट न्यू इन्फॉर्मेशन मैसेजेस कैन बी टर्म्ड विद न्यू मीडिया। न्यू मीडिया के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन वीडियो ऑडियो कॉल्स के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। पीपल प्रेफर न्यू मीडिया एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफिशियंट एंड फ्लेक्सिबल। न्यू मीडिया हमारे पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महंगे भी नहीं है और फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम कम टाइम में अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इनके बहुत अच्छे यूजेस भी हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल कैन ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन मैसेजेस एंड इवन ऑडियो विजुअल मटेरियल्स ओवर न्यू मीडिया। हम न्यू मीडिया में अपने विजुअल्स हैं, ठीक है, वीडियो ऑडियो के थ्रू अपनी वीडियोज़ बना के भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पहले टाइम पर नहीं हुआ करता था, ठीक है, इंटरनेट के आने के बाद ही हुआ ये सब पॉसिबल। इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देर इज नो वे टू गिव फीडबैक अबाउट द कंटेंट, बट इफ कंटेंट लोडेड ओवर द न्यू मीडिया साइबर मीडिया लाइक यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ पर हम फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। न्यू मीडिया का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करने के बाद यूज़र अपना फीडबैक भी दे सकता है, ठीक है, जिससे जिसने कंटेंट बनाया है उसको पता चल जाए कि उसका कंटेंट अच्छा है, कोई उसमें कमी तो नहीं है, वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो ये एक और एडवांटेज है हमारा न्यू मीडिया का। आगे बढ़ते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे के सारे मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा, बाकी आप नोट्स के थ्रू सारा रीड कर लेना। अब इंटरनेट आया कहाँ से, फर्स्ट टाइम इसको कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, किसने इस इंटरनेट वर्ल्ड का यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, ये सब पढ़ेंगे हम। सो इन 1969 द वर्ल्ड द फर्स्ट होस्ट टू होस्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET कनेक्शन इज मेड ऑन October 25, 1969 बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस एट द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट टाइम जो इंटरनेट कनेक्शन जो स्थापित किया गया था वो हमारा कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड के बीच में किया गया था, ठीक है, 1969 में। और वो नेटवर्क का जो नाम था एजेंसी का वो था ARPANET। आगे बढ़ते हैं। In 1972, ARPANET begins to be used for communicating by email. The term internet has begins to use for the first time in 1973. So 1973 के बाद इंटरनेट टर्म पहली बार यूज़ किया गया था और इसका पहले यूज़ किया गया था, फर्स्ट यूज़ किया गया था फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है, इसको याद रखना। इन 1976, COMET, द फर्स्ट कमर्शियल ईमेल सॉफ्टवेयर इज ऑफर्ड बाय द कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका फॉर $40,000। सो ये हमारा कमर्शियल ईमेल सॉफ्टवेयर था, अमेरिका ने इसको बनाया था, ठीक है, इसको ऑफर किया था फर्स्ट टाइम फॉर द मनी कितना, $14,000, ठीक है, इतना महंगा था उस टाइम पे। वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इन 1995 द इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इज क्रिएटेड बाय जिम गोसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स। सो फर्स्ट टाइम जावा इन्वेंट की गई थी जिम गोसलिंग ने, ठीक है, एट सन माइक्रो सिस्टम। और कब किया गया था, 1995 में, ठीक है। उसके बाद याहू है यहाँ पे बताया गया, ठीक है, सेंटा क्लारा ने कैलिफोर्निया में इसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास फेसबुक आया था, ठीक है, कैम्ब्रिज में। हमारे पास यूट्यूब भी है, ठीक है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, ट्यूटर्स वगैरह, ठीक है, इनको आप याद रखना, ठीक है, कब इनको फाउंड किसने किया था और कहाँ पे किया गया था, ठीक है, ये आप याद रखना। हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। डिफाइनिंग न्यू मीडिया। सो न्यू मीडिया का मतलब क्या है, ठीक है, न्यू मीडिया बेसिकली हम वर्चुअली लोगों तक कनेक्ट होते हैं, ठीक है, डिवाइसेस के थ्रू, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के थ्रू, बाय यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमारा न्यू मीडिया है। आगे बढ़ते हैं।
न्यू मीडिया टूल्स के हैं। अब न्यू मीडिया टूल्स जो हमारे पास क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास जो सोशल मीडिया है वो क्या क्या कर सकता है हमारे लिए, कनेक्ट पीपल विद इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वो लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको शेयर करने में हेल्प करता है हमारा जो न्यू मीडिया है, इंटरनेट है जो, कोलाबरेट विद अदर पीपल इंक्लूडिंग दोज विद इन देयर ऑर्गनाइजेशन कम्युनिटी, ठीक है, लोगों को कोलाबरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, अलग अलग बिजनेस की कंपनीज हैं, लोग हैं, ऑर्गनाइजेशन कम्युनिटी है, तो उनको आपस में मिलने में कोलाबरेट कोलाबरेट करने में हेल्प करता है। थर्ड है हमारा क्रिएट न्यू कंटेंट सर्विसेज कम्युनिटीज एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प पीपल डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। सो न्यू मीडिया में एक और चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो क्या होती है कि हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, नए नए प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पर लोग अपने आपको अपने कंटेंट को पेश करते हैं, ठीक है, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, ठीक है, टू द पीपल। आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ न्यू मीडिया, अब पढ़ेंगे न्यू मीडिया के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत से एडवांटेजेस के हैं ना वो पढ़ेंगे। न्यू मीडिया डजेंट सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड स्पेस लाइक ट्रेडिशनल मीडिया। न्यू मीडिया में एक होता है टाइमिंग का प्रॉब्लम, ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, आप जब चाहें कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यू मीडिया के थ्रू गेन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, तो टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट इफिशियंट है, सस्ता भी है, ठीक है, यही सब बताया गया इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यू मीडिया फ्लेक्सिबल इज होल्डिंग इट्स कंटेंट, अ न्यूज़पेपर कैन ओनली शो थिंग्स थ्रू वर्ड्स पिक्चर्स बट अ टेलीविजन कैन प्रेजेंट ऑडियो विजुअल थिंग्स वेयर एज न्यू मीडिया कैन हैंडल अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन प्रेजेंट्स वर्ड्स पिक्चर्स ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स। सो न्यू मीडिया में एक खासियत ये है, जो हमारे प्रिंटेड फॉर्म्स ऑफ मीडियाज है, न्यूज़पेपर वगैरह, इसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक सीमित नॉलेज होती है इसके अंदर, ठीक है, कंटेंट सीमित होता है, बट न्यू मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप जो चाहें जैसी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है, विद इन सेकंड्स आप 3D एनिमेशन देख सकते हैं न्यू मीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल सुन सकते हैं, ठीक है, वीडियोज देख सकते हैं, तो ये इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड बेनिफिट है। थर्ड पॉइंट, न्यू मीडिया कैन डिलीवर मैसेजेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली प्रोवाइडेड वन हैज़ अ डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड हैज़ अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटी। न्यू मीडियम्स टेक्स हैव एन एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल मीडिया। सो न्यू मीडिया में हम डिलीवर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन मैसेजेस को, बस शर्त ये होती है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए जिसमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द हाइपर टेक्सुअलिटी ऑफ न्यू मीडिया इज अनदर सिग्निफिकेंट फीचर विच मेक्स इट मच मोर एडवांटेजेस ओवर अदर मीडिया। न्यू मीडिया कैन कनेक्ट वन फॉर्मेट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर फॉर्मेट्स। कहने का मतलब है न्यू मीडिया हमारे पास एक और चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हर एप्लीकेशन हर प्लेटफॉर्म जो है न्यू मीडिया का आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने में हेल्प होती है, आप एक ही इन्फॉर्मेशन को ऑडियो के थ्रू शेयर कर सकते हो, वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, सो ये काफ़ी एक मेन पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक हाइपर टेक्चुअलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन को आप अलग अलग मीडियम्स में शेयर कर सकते हो, इसे ही बोलते हैं हाइपर टेक्चुअलिटी। आगे बढ़ते हैं इंटरएक्टिविटी, न्यू मीडिया हैव ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर मशीन्स कैन कम्युनिकेट विद ह्यूमन ओवर द इंटरनेट। सो न्यू मीडिया में आपने देखा होगा, बोर्ड्स सुना होगा, ठीक है, जहाँ पे रोबोट्स, ठीक है, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, लाइक गूगल में हमारे पास आपने देखा होगा सीरी होती है ना, वो आपसे बातें करती है, ठीक है, तो एक वर्चुअल वर्चुअली कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपसे, ठीक है, तो ये भी इसमें होता है मीडिया में। नेक्स्ट हमारा मल्टी मोडलिटी, विच मीन्स अ न्यू मीडिया कैन कनेक्ट कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया फॉर्मेट्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, वी कैन वॉच टेलीविजन, लिसन टू रेडियो, न्यूज़पेपर्स ऑन अ वेब पेज। सो मल्टी मोडलिटी मीन्स हम अलग अलग प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, हम न्यूज़ पर पढ़ सकते हैं, हम टेलीविजन का ही, फिर मीडिया, फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यूट्यूब वगैरह, इन सब पर एक तरह की न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है, एक टाइप की इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। कॉस्ट इफिशियंट मैंने आपको बताया, ठीक है, हमारा जो न्यू मीडिया है वो कॉस्ट इफिशियंट है, इतना महंगा भी नहीं है, इजीली अफोर्डेबल है। एक्सटेंडेड एक्सेस, न्यू मीडिया की पहुंच हर जगह, ठीक है, आप हर जगह इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं सम पॉइंट्स दैट नीड टू बी कीप्ड इन माइंड वाइल राइटिंग फॉर द वेब। तो जब भी आप वेब पे लिखना चाहते हो, ठीक है, वेबसाइट पर लिख रहे हो, कहीं पर कोई कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, तो उस समय क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए उसकी बात करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, राइट योर कंटेंट इन अ पॉइंट बिकॉज रीडर्स, मोस्ट ऑफ द रीडर्स डोंट हैव दैट मच टाइम टू रीड योर कंटेंट, सो यू मस्ट बी कॉन्साइज। कहने का मतलब है आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो पॉइंट वाइज होना चाहिए, ठीक है, कॉन्साइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए, ताकि कंटेंट जो रीडर है उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, डोंट राइट एनीथिंग विच विल ऑफेंड द रीडर। सेकंड पॉइंट में बोला गया कि किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट मत डालिए, ठीक है, कि वो किसी रिलीजन को, किसी भी तरह के लोगों को हार्म करे, ठीक है, ऑफेंड ना करे, तो ऐसी लैंग्वेज लिखे जो हर कोई इजीली पढ़ सके, ठीक है, बिना किसी ऑफेंड होने के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द टेक्स्ट वुड बी कॉन्साइज, ठीक है, इस पॉइंट में बताया गया कि आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपकी जो भी आप लिख रहे हो, इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, वो एक सीमित वर्ड्स लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ताकि पढ़ने में रीडर को बहुत टाइम लग जाए, ठीक है, बोरिंग हो जाएगा वो, रीडर पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ा पढ़ के छोड़ देगा, तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, द टेक्स्ट शुड बी स्कैनेबल, ठीक है, अपने टेक्स्ट को ऐसे लिखे ताकि हर एक वर्ड जो भी हेडिंग है, ठीक है, जितने भी लाइन्स हैं, ग्राफिक्स हैं, फोटोज़ हैं, वो इजिली स्कैन हो सके, ठीक है, अगर कोई प्रिंट भी करना चाहे तो इजिली प्रिंटेबल हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट हमारा, बुलेटेड आइटम्स, राइट फैक्ट्स लिस्ट फॉर्मेट, अपने पैराग्राफ में आप की पॉइंट्स लिखें, ठीक है, मतलब हाईलाइट करके लिखें, ठीक है, सारे के सारे मेन फैक्ट हैं जो आपके पैराग्राफ के, वो भी लिखना, ठीक है, ताकि रीडर को पढ़ने में और आसानी हो, समझने में और आसानी हो। नेक्स्ट हमारा, गिव अ समरी ऑफ द एंटायर कंटेंट एट द एंड, यहाँ पे आप समरी ऐड करना, ठीक है, अपने पूरे कंटेंट को लिखने के बाद नीचे कुछ लाइंस में अपने पूरे टॉपिक की एक समरी दे देना, ठीक है, कुछ लाइंस में, ताकि एक छोटा सा ब्रीफ मिल जाए, ठीक है, कि क्या पढ़ा, पूरा रिविजन टाइप हो जाएगा, ठीक है, रीडर का,
तो वो भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इंटरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर्स नेटवर्क केबल्स दैट यूज द टीसीपी आईपी नेटवर्क फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज। सो बेसिकली इंटरनेट में क्या होता है, वहाँ पे एक आईपी नेटवर्क होता है, आपने देखा होगा शायद, ठीक है, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, जबकि मोबाइल फोन में ऐसा नहीं होता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स ऑफर्स टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड एनिमेशन रिसोर्सेज थ्रू द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो WWW आपने सुना होगा वेबसाइट, ठीक है, हमारा जो एक फेज है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन ग्राफिक्स, ठीक है, इनको हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेब ब्राउजिंग। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप गूगल से लेते हो या फिर किसी और ब्राउजर से, सो एक तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हर तरह के आप नॉलेज गेन करते हो। फॉर एग्जांपल आपने ओपेरा सुना होगा, ठीक है, यूसी ब्राउजर, गूगल, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सारे हमारे पास ब्राउजर्स हैं, ठीक है, मतलब मीडियम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली गेन कर सकते हो। इफ यू वांट टू व्यू अ पेज, वेब पेज ऑन अ डिफरेंट वेबसाइट्स, यू विल नीड टू यूज अ प्रोग्राम कॉल्ड ब्राउजर। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे आप डिफरेंट काइंड की वेबसाइट पर सर्च करते हो। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ई मेल जिसे हम कहते हैं, आपने ईमेल किया होगा, ठीक है, ईमेल में क्या होता है, हम इजीली मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक व्हाट्सअप होता है हमारे पास, ठीक है, उसमें कुछ थोड़े से डिफरेंस होते हैं, ठीक है, ईमेल में कुछ डिफरेंस होते हैं। ईमेल में आप अलग अलग, मतलब एक टाइम पे बहुत से लोगों को सेम ईमेल भेज सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इमोजी यूज़ नहीं कर सकते, आपने देखा भी होगा, ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मल वे ऑफ सेंडिंग मैसेज है, ठीक है, ये फॉर्मल तरीका मैसेज भेजने का, ठीक है, ईमेल। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑल्सो नोन एज ईमेल, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन यूजर्स। सो ये भी एक व्हाट्सअप, फेसबुक की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मैसेजेस एक्सचेंज करते हो, ठीक है, यूजर्स के बीच में, और ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हो, ठीक है, ये एक फॉर्मल वे ऑफ सेंडिंग मैसेज है, ठीक है। व्हाट्सअप वगैरह में अलग हमारे पास फीचर्स होते हैं, यहाँ फीचर थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा एक पुराना फीचर भी है। और एक बात, ठीक है, इसमें मेन बात ये होती है कि यहाँ पे जो आप मैसेजेस भेजते हो वो डेटा आपका स्टोर रहता है, ठीक है, काफ़ी समय तक। एक सेफ प्लेटफॉर्म है, इसलिए लोग उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के टाइम पर भी। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग। सो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में हमारे पास जो आपने देखे होंगे लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है, मैच का या न्यूज़ का, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में आती हैं, जिसमें हम वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग के थ्रू लाइव प्रसारण करते हैं जनता तक, है ना, इसे ही बोलते हैं ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया। सो आपको पता है ये सब, ठीक है, पीछे बताया था मैंने, सोशल मीडिया हैज़ बीन अ ट्रेंडी थिंग्स इन टुडेज लाइफ स्टाइल एज मोर पीपल आर यूजिंग इट फॉर वेरियस पर्पज लाइक कॉन्टैक्टिंग, चैटिंग, फोटो शेयरिंग, न्यूज़ ब्लॉगिंग एक्सेट्रा। सो सोशल मीडिया एक तरह के प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, जहाँ पे हम अपने फोटोज, इंफॉर्मेशन, ब्लॉगिंग वगैरह, अपनी दिनचर्या जो है, डेली के लाइफस्टाइल, उसको शेयर करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक। इट इज़ अनट्रू टू शेयर दैट सोशल मीडिया इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर दोज हु डोंट नो हाउ टू ड्रॉ देयर लिमिट्स। सो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने लिमिट्स को काबू में नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिनका कंट्रोल नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, ये उन्हीं के लिए डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, बाकी इट्स गुड फॉर एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, एंड सोशल मीडिया पे ह्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ पर फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, प्लेगेरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो ट्रू है, सच है, ठीक है। आधा सोशल मीडिया इज अनसेफ ओनली फॉर केयरलेस, ठीक है, आपको बताया मैंने, ये डिस्ट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जो केयरलेस है, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है उनके लिए। नाउ सोशल नेटवर्किंग। सो सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, इसमें हम क्या करें, ठीक है, सो सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, एक तरह का ये भी मास मीडिया के अंदर ही आता है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के लिए भी हम सोशल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। एंड हियर इज अ स्टेटमेंट जिसको आपको याद रखना है, एंड्रेस कप्लान एंड माइकल हेलन डिफाइन सोशल मीडिया एज ग्रुप ऑफ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन दैट बिल्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ वेब 2.0 एंड दैट अलाउ द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट। सो इनके कहने का मतलब है, सोशल मीडिया एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन का, जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं अपनी कंटेंट और क्रिएशन का, ठीक है, इसको वेब 1.2 बोला गया इन्होंने, ठीक है, एक हमारे पास वेबसाइट्स हमारे पास, ठीक है, उसे 1.2, और सोशल मीडिया को 2.0 करके इन्होंने डिफाइन किया था अपनी लैंग्वेज में। एंड सोशल मीडिया इंक्लूड्स यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, इसको सेकेंड लाइफ भी बोला गया यहाँ पे, क्योंकि एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड होता है सोशल मीडिया, आप लोगों को पता है। एंड यहाँ बता रखा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, सोशल मीडिया में हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, लिंकडिन, पिंटरेस्ट, गूगल, ये हमारे पास सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। एंड हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट, विकीपीडिया, ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग्स हम यूज़ करते हैं, ट्विटर, कंटेंट कम्युनिटी के लिए हम यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए हम फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे सोशल मीडिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं। आगे बढ़ते हैं, गेमिंग। सो गेमिंग भी एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है, एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड है, और ये इंडस्ट्री मल्टी बिलियन डॉलर की हो चुकी है आज के टाइम पे, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादातर हमारा जो यूथ है वो इन्वॉल्व हो रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिक्टिव गेम्स होती हैं, ठीक है, बिकॉज गेमिंग में कुछ हमारे पास एडिक्टिव, ठीक है, बिकॉज गेमिंग एक इमेजिन, बिकॉज गेमिंग एक आर्टिफिशियल वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है यूथ को, ठीक है, तो हमारा ब्लॉगिंग
सो ब्लॉगिंग इज बेसिकली अ ब्लॉग और अ जर्नल दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब. इट इज डिराइव फ्रॉम द टर्म वेब ब्लॉग एंड द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग इज ब्लॉगिंग एंड समवन हु कीप्स अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर. सो जो ब्लॉगिंग कर रहा है उसे हम ब्लॉगर बोलते हैं, ठीक है. और जो एक्टिविटी करता है ब्लॉग की उसे हम ब्लॉगिंग बोलते हैं. तो क्या होता है, हम अपनी डेली के जो रूटीन है दिनचर्या है उसको दिखाते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो मेन बात है वो ये कि वर्ल्ड का जो पहला व्लॉग था वो 2 जनवरी 2000 में एडम कॉन्ट्रास ने पोस्ट किया था, ठीक है. और इनका जो व्लॉग था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग वीडियो है हिस्ट्री में, ठीक है. और ये बनाया गया था लॉस एंजल्स में, ठीक है, कैलिफोर्निया का था ये व्लॉग. आगे बढ़ते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, या फिर PFT जिसे हम कहते हैं, ठीक है. इसमें हम फाइल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्मेट ऑफ STMLTP. और यहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को या फिर डाउनलोड करते हैं हम जो फाइल्स, ठीक है, PC में, उसमें इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है. ये PC के लिए है बेसिकली. आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग. सो ऑनलाइन बैंकिंग भी सोशल मीडिया का ही एक पार्ट है जिसमें हम ट्रांजेक्शन करते हैं मनी का, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, ठीक है. यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है. हर बैंक ने अपने अपने ऐप बना रखे हैं, वेबसाइट्स बना रखी है जहाँ पे जाके आप अपने अकाउंट्स को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है. यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है. और एक बहुत ही सेफ और को इफिशियंट मेथड, ठीक है, बैंकिंग का. और ये पॉपुलर भी है और पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम में इसका ही ज़्यादा चलन रहेगा. आगे बढ़ते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ IT इन बैंक्स हैज रिड्यूस्ड द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल बैंकिंग ऑफ मैनुअल ऑपरेशंस. नाउ डेज बैंक्स हैव मूव्ड फ्रॉम डिसबर्स टू अ सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट विच सोर द डेप्थ ऑफ IT. सो अब जो हमारी बैंक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गई, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे जो पास्ट में एक्सपीरियंस रहे, वहाँ काफ़ी फ्रॉड भी हुआ करते थे. बट अब IT के कुछ रूल्स ऐसे आ गए हैं जिसमें हमारे बैंक के जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं वो काफ़ी सेफ हो गए हैं, तो इसलिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो. ई कॉमर्स नेक्स्ट हमारा, ई कॉमर्स. सो ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. सो इंटरनेट पे जो भी आप सामान खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अमेजन फ्लिपकार्ट आपने देखा होगा, इससे ही हम बोलते हैं ई कॉमर्स. जब आप बिजनेस करते हो ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन सामान खरीदते हो, ऑनलाइन सामान बेचते हो, इसे ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है. यहाँ सारा का सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है एंड सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, वो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं बिकॉज ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है. तो उसमें दो काम एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म है वो भी अर्निंग करता है और जो बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, वो भी अर्निंग करती है. अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या क्या कर सकते हो ई कॉमर्स में, ठीक है, टिकट्स एयरलाइन आप बुक करते हो, ठीक है, बुक्स खरीदते हो, क्लॉथिंग वगैरह, या फिर हमारे टेक्निकल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आप सेल करते हो या अर्न करते हो, ठीक है, बाय करते हो ई कॉमर्स से. सो सारे के सारे बिजनेस हमारे किस अंदर आते हैं, ई कॉमर्स के अंदर. आगे बढ़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग. सो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक तरह का प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है अपनी ऑडियंस को अपने सामान और अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई नई वेबसाइट या फिर कोई वेब सीरीज रिलीज होती है, मूवी रिलीज होती है, ठीक है, हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, लाइक वीडियो कॉलिंग जो हम करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक में, इसमें क्या होता है, हम वर्चुअली इंटरनेट के थ्रू लोगों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट लोकेशंस के बीच में, है ना, जैसे बताया गया. एंड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कैन बी बिटवीन टू साइट्स दैट इज लोकेशन दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस. द कॉन्फ्रेंस कैन बी कनेक्टेड मल्टीपल लोकेशन, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मल्टीपल लोकेशन पर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट है. नेक्स्ट हमारा न्यूज़ पोर्टल, लाइक न्यूज़ वेबसाइट जो भी हमारी होती है, चैनल जितने भी होते हैं उसमें वर्चुअली जो भी है इंटरनेट के थ्रू न्यूज़ को रीड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, और जितने भी रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम मीडिया के थ्रू, मीडिया प्रोफेशनल्स के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट. सो पॉडकास्ट बेसिकली अ टाइप ऑफ डिजिटल मीडिया कंसिस्टिंग ऑफ एन एपिसोड सीरीज और ऑडियो और वीडियो और PDF सीरीज. पॉडकास्ट में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की वीडियो, PDF और ऑडियो सीरीज होती है जिसमें एक तरह का पूरा इंट्रोडक्शन बायोग्राफी टाइप उसमें अटैच होती है, ठीक है. लाइक आप देखते भी होंगे आजकल यूट्यूब पे, ठीक है, पॉडकास्ट, लाइक आप आज देखते भी होंगे यूट्यूब पर पॉडकास्ट जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों, जहाँ पे हम क्या करते हैं लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, पूरी लोगों की जो जीवन कथा है, ठीक है, बायोग्राफी है वो सुनते हैं. सो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.